नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गोक्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से मूविंग एवरेजेस पे और मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर पे काम होता है, किस किस तरीके की मूविंग एवरेजेस होती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कौन सी पीरियड की मूविंग एवरेज आपके लिए बढ़िया काम कर रही है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना तो हमारे प्लेटफॉर्म एल्गोक्रैब के थ्रू आप ऑटो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मूविंग एवरेज के इंडिकेटर के ऊपर या फिर मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के इंडिकेटर के ऊपर। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर देखने वाली चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंटेंट आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं। तो दोस्तों मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसमें हम कुछ पीरियड की मूविंग यानी कि कुछ पीरियड का डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चार्ट यहाँ पर है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ये ओपनड है। इसमें मैं आपको एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 14 पीरियड। अब ये 14 क्या है, 14 पीरियड का मतलब होता है कि पिछली 14 कैंडल्स का डेटा ये लेकर आएगा। जो भी पीरियड आप यूज़ करते हो, 15 मिनट यूज़ करो, 30 मिनट यूज़ करो, उसका पिछली 14 कैंडल का डेटा लेके आएगा। और यहाँ पर आपको देखेंगे आपको मिलेगा सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ, लीनियर वेटेड। तो ये अलग अलग कैलकुलेशंस हैं जिसके द्वारा ये डेटा फैच होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनिशियली आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझने में दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आगे बताता जाऊँगा आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज में सिंपल फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे कि पिछली 14 कैंडल का डेटा लेके आते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 14 करते हैं, क्योंकि 14 पीरियड हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो एक डॉट के रूप में चार्ट में दिखता है और धीरे धीरे कैंडल बाय कैंडल वो लाइन की तरह बनता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई टू क्लोज लिखा है, ओपन लिखा है, हाई लिखा है, लो लिखा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी पीरियड आप यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए 14 पीरियड आप यूज़ कर रहे हो, तो 14 पीरियड की जो पिछली 14 कैंडल्स हैं उन कैंडल्स का कौन सा डेटा उठाना है, यानी कि क्लोज का कैलकुलेशन करना है या ओपन प्राइस का कैलकुलेशन करना है या लो प्राइस का करना है या हाई का करना है या बाकी के भी और भी अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, मीडियन प्राइस का करना है, टिपिकल प्राइसेस करना है, वेटेड प्राइस का करना है। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है। ज़्यादातर लोग क्लोज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मूविंग एवरेज में आप अगर सिंगल मूविंग एवरेज लगाते हो तो इस तरीके से कोई भी आप इसको कलर दे सकते हो। इस तरीके से मान लीजिए आपने इसको ग्रीन कलर दे दिया, तो ये अभी आपको एक लाइन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इसमें बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों कि अगर कैंडल्स जो बन रही हैं, जो आप ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स देख रहे हो चार्ट में, अगर ये कैंडल्स ऊपर बन रही हैं इस लाइन के तो बाइंग का ट्रेंड है, और अगर ये इसके नीचे चल रही हैं तो सेल का ट्रेंड है। लेकिन हमारा वीडियो दोस्तों क्रॉसओवर के ऊपर है, तो हम ज़्यादा बात क्रॉसओवर के ऊपर करेंगे। अब क्रॉसओवर के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, एक और मूविंग एवरेज इसके अंदर होनी चाहिए। तो जब हम क्रॉसओवर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। पहला होता है स्लो मूविंग एवरेज और दूसरी मूविंग एवरेज को हम कहते हैं फास्ट मूविंग एवरेज। यानी कि जो छोटे पीरियड की मूविंग एवरेज जो हमने पहले लगाई थी वो वाली मूविंग एवरेज को हम कहेंगे फास्ट मूविंग एवरेज, और जो अभी हम लगा रहे हैं 50 पीरियड की ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हम कहेंगे स्लो मूविंग एवरेज, ठीक है। बाकी का डेटा तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि क्लोज प्राइस चेक करना है, ओपन प्राइस करना है, हाई या लो करना है, उसके साथ सिंपल करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ, लीनियर वेटेड, ये थोड़े एडवांस वर्जन है। अगर आप एक्सपोनेंशियल या इन तरीके की मूविंग एवरेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको जैसे हम ओके करेंगे तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपको इस तरीके का एक डेटा दिखाई देगा जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं और ऊपर नीचे जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब ये ग्रीन वाली ऊपर आती है इसका मतलब बाइंग का ट्रेंड शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 19623 से बाइंग का ट्रेंड ओपन हो गया और उसके बाद ऊपर मार्केट चला गया। ऐसे ही जब ये रेड वाली ऊपर जाती है तो इसका मतलब सेल का ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 19500 से सेल का ट्रेंड यहाँ पर चलने लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया 14 और 50 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। अब ये इस हिसाब से इसमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो आपको कुछ अलग डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें ये अलग टाइम फ्रेम पे आपका काम कर रहा है तो कैंडल्स का जो कैलकुलेशन है वो बदल जाता है, क्योंकि पिछली 14 कैंडल 5 मिनट की अलग तरीके से चलती हैं, 15 मिनट की अलग तरीके से चलती हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि इस प्राइस से हमारा बाइंग चल रहा है। यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर आ गया तो ये प्राइस क्या है दोस्तों, 16537 से आपका बाय चल रहा है और वो अभी 16685 तक आपका बाइंग कंटिन्यूस है। ऐसे ही सेल का ट्रेंड पीछे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत चार्ट दिखाई देगा और आपको दिखेगा किस तरीके से आप रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स का काम करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ज़्यादातर लोगों को कई बार कॉम्प्लिकेशंस होता है क्योंकि वो अलग अलग इंडिकेटर्स इसी में लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक चार्ट में कम से कम 5 से 10 इंडिकेटर लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं कि सारे इंडिकेटर्स में बाइंग आएगा तो बाइंग करेंगे, सारे इंडिकेटर्स में सेल आएंगे तो सेल करेंगे। ऐसा सब करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं निकल के आती, बिकॉज जितने भी इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो एलिगेटर हो, चाहे वो MACD हो, चाहे वो RSI हो, इन सब का एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, इन सब का एक मैथमेटिक पीरियड होता है, उस पीरियड के हिसाब से ही वो काम करता है। तो जो पीरियड यानी कि जो पैरामीटर हम उसमें सेट करते हैं उसके हिसाब से हमें सिग्नल मिलते हैं। तो ये तो था दोस्तों क्रॉसओवर का, कि अब क्रॉसओवर में हम कैसे काम करते हैं दोस्तों, कि जब ग्रीन कलर की लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर आती है तो बाय का सिग्नल हो जाता है, इसी तरीके से जब ग्रीन कलर की लाइन नीचे और रेड कलर की लाइन ऊपर जाती है तो सेल का सिग्नल हो जाता है। अब ये तो था कि चार्ट में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये सब चीज़ें आपको हमारे प्लेटफॉर्म से करनी है, यानी कि ऑटोमेट करना है इस सब चीज़ को, तो किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों इस तरीके के चार्ट तो नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यहाँ पर देखिए आप AlgoCrab है, AlgoCrab में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ID पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल डाला और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके की स्क्रीन खुल गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4th नंबर की स्ट्रैटेजी हमारी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब हमें इस स्ट्रैटेजी को अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना ब्रोकर लिंक करना होगा। जो भी हमारा ब्रोकर है वो हम लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का मेरा अकाउंट है तो मैं एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे अपना ID यहाँ पर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और TOTP डालना पड़ेगा। जो TOTP होता है दोस्तों वो हमें ब्रोकर की वेबसाइट से जाकर क्रिएट करना होता है, जिसमें कि स्मार्ट API पे जाना होता है। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं आपको यहाँ पर से करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता TOTP किस तरीके से क्रिएट करना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में आपको प्रोसेस बताया हुआ है। तो यहाँ पर TOTP डालने के बाद हमें गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना होगा। गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करने के बाद ये वापस हमें हमारी वेबसाइट पर लेके आ जाएगा। इसका मतलब हमको टोकन सक्सेसफुली मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 तारीख का टोकन 2:40 पर हमें मिला है। अब यहाँ पर हम वैलिडेट टोकन का बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये वैलिड टोकन इज वैलिड बता देगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही आसान। इसको करने के बाद आपका ब्रोकर लिंक हो जाता है प्लेटफॉर्म के साथ और फिर हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी में आपको अगर ट्रेड करना है तो आप कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जाएंगे, निफ्टी फ्यूचर का सिंबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, MA क्रॉस की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी। उसके बाद हमें सिंबल लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमको चाहिए निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, निफ्टी जुलाई फ्यूचर आप देख सकते हैं ये आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। MIS करना है या नॉर्मल करना है ये आपकी मर्जी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो MIS सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप NRML सिलेक्ट करेंगे। मुझे मान लीजिए इंट्राडे करना है तो मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 50 क्वांटिटी। उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस, निफ्टी में अगर 50 पॉइंट का टारगेट और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको स्टॉप लॉस या टारगेट सेट करना है आप कर सकते हैं।
यहाँ पर टाइम फ्रेम का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि चार्ट मैंने 5 मिनट पे लगाया है तो 5 मिनट आ गया, इंट्राडे हो गया। यहाँ पर मान लीजिए मुझे 14 करना है और यहाँ पे MA2 में 15 करना है। MA1 जो भी होगा दोस्तों वो फास्ट पैरामीटर यानी कि वो छोटी वैल्यू रखनी है, MA2 में हमेशा बड़ी वैल्यू रखनी है। दूसरा यहाँ पर आपको देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल मिल रहा है, वेटिंग मूविंग एवरेज मिल रहा है, यहाँ पर भी EMA का भी ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो 3-4 तरीके की यहाँ पर अलग अलग मूविंग एवरेजेस हैं, जो आपको चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाली में भी जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड ऑन क्लोज ओपन हाई लो, जो कि मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से कैंडल ये चूज़ करेगा और डेटा लेके आएगा। हम बेसिकली क्लोज यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स क्लोज ही यूज़ करते हैं। स्क्वायर ऑफ टाइम के बारे में दोस्तों मैं बताना भूल गया, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ टाइम देखिए 3 बजे का टाइम लिखा हुआ है। अगर आपको 3 बजे स्क्वायर ऑफ करना है तो 3 बजे, या फिर अगर आपको 3:10 पर करना है तो यहाँ पर 3:10 लिखेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस तरीके से आपको कार्ड यहाँ पर बन के दिखेगा, इसको आपको स्टार्ट कर देना है। बस दोस्तों इतना ही करना है, इतना ही करने के बाद आपका ट्रेड ऑटोमेट हो जाएगा। अब रोज़ आपको आकर सुबह सुबह 8 से 9 के बीच अपना टोकन ज़रूर लेना है। यहाँ पर टोकन के लिए आपको TOTP डालना है और एक्सेस टोकन पर क्लिक करना है। तो गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करने के बाद आपको टोकन मिल जाएगा। ये था दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस किस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको फंक्शनल मिल जाता है, जिसमें कि आपकी कॉल और पुट में सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड होगा। उसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन स्ट्रेटजी में जाना है। यहाँ पर आपको सिंबल क्रिएट करना है, फिर से यहाँ पर मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है। अभी हमने निफ्टी किया था, यहाँ पर बैंक निफ्टी कर लेते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी डालना है, जैसे कि आप एंजल के ट्रेडर हैं, अभी हम एंजल का वीडियो बना रहे हैं तो एंजल में आपको डेट डालना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे करो चाहे मंथली पे। बाकी के ब्रोकर्स पे अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो डेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किसी ब्रोकर में सिर्फ पड़ती है। ऑर्डर टाइप में MIS किया, यहाँ पर मैं फिर से वही सेम सेटिंग कर देता हूँ 14 और 50, और पीरियड में मैं यहाँ पर टाइम पीरियड में 5 मिनट्स रखता हूँ, और स्टॉप लॉस को मैं, चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट को नहीं लगाना चाहते, सिर्फ क्रॉसओवर पे काम करना चाहते हैं, तो इनको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद ये उस तरीके से ही काम करेगा, यानी कि जब ग्रीन वाली लाइन ऊपर जाएगी तो बाय करेगा, जब रेड वाली लाइन ऊपर जाएगी तो सेल करेगा। अब इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करने से ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई सिग्नल आएगा, यानी कि जब भी क्रॉसओवर ऊपर की साइड होगा तो बाय का सिग्नल बनेगा, और बाय का सिग्नल बनने पर आपकी कॉल बाय होगी। वहीं अगर नीचे की तरफ सिग्नल आएगा तो पुट का सिग्नल बनेगा, और पुट के सिग्नल पे आपकी सेलिंग होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप बाइंग और सेलिंग करेंगे और आपका ट्रेड कंटिन्यूसली इसमें चलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जिससे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रैटजी टेस्टर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ। सबसे पहले सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे निफ्टी चाहिए तो यहाँ पर निफ्टी 50 लगा दिया मैंने। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख पा रहे हो। अभी हमें इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर में जाएंगे, हम लिखेंगे MA क्रॉस। बेसिकली हमें इंडिकेटर नहीं, हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं यहाँ पर ताकि हम टेस्टिंग कर पाएँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने स्ट्रैटेजी टेस्टर में ये MA क्रॉस वाली स्ट्रैटेजी रन कर दी, तो अब ये दिखा रहा है कि अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो किस पैरामीटर्स पे। पैरामीटर इसमें डालें दोस्तों 25 और 50, हम डालेंगे 14 और 50 और क्लोज प्राइस पे। तो ये हमें दिखा रहा है कि इस अगर आप इस सिंबल में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। 217 क्लोज ट्रेड्स हुई हैं, 39% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, और मैक्स ड्रॉडाउन कितने रुपए का हुआ, अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। इसके अलावा और भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो, पीरियड वगैरह कितने पीरियड का देखना है, क्या डेटा है। यहाँ पर देखिए आप इनिशियल कैपिटल वगैरह आपको दिखा रहा है, लॉट साइज़, ऑर्डर साइज़। जैसे यहाँ पर हम निफ्टी चला रहे हैं, निफ्टी को हम 50 कर देंगे तो 50 के हिसाब से फिर हमें ये डेटा दिखाएगा कि क्या है। अब जैसे ये हमें दिखा रहा है कि 60,117 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 217 ट्रेड्स में 39% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम ड्रॉडाउन 44,000 रुपये तक भी गया है हमारा, एवरेज ट्रेड पे इतने रुपये पे हुई है हमारी। ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इनपुट में चेंज किया था 14 और 50 किया था, इसको आप ऐसे 9 और 27 ऐसे अलग अलग तरीके से करके देख सकते हो। तो जिसमें भी आपको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसे अब इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, जैसे 25 और 60 करते हैं, तो देखेंगे आप कम सिग्नल बनेंगे और डेटा उस हिसाब से दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप 14 और 25 करेंगे तो उस हिसाब से अलग से डेटा दिखाएगा। तो इस तरीके से
हर बार इसका डेटा की वैल्यू बदलेगी, आपको अच्छे से पता चलेगा कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते पलानी मूविंग एवरेज और इस वाली मूविंग एवरेज के साथ आप लगाते तो आपको क्या प्रॉफिट आता। तो यहाँ पर आकर आप बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जितनी भी स्ट्रैटेजी अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर का आप बैक टेस्ट यहाँ पर आके कर सकते हैं। हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्दी आपको बैक टेस्ट देखने को मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास नहीं है। तो आप यहाँ से बैक टेस्टिंग करके और वहाँ पर अपने सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर रजिस्टर करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है आपको स्ट्रैटेजी टेस्ट वगैरह करने का। एक आध स्ट्रैटेजी लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसका देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा। तो अब हम वापस अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जैसे मैंने बताया ब्रोकर लिंकिंग करना है, और ब्रोकर लिंकिंग करने के बाद आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल चाहे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। 6 दिन के फ्री ट्रायल में आप पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो स्ट्रैटेजीज के टैब में जाना है आपको। यहाँ पर एक पेपर ट्रेडिंग का लाइव ट्रेडिंग का मोड, आपको इस तरीके से इसको पेपर ट्रेडिंग पर ले जाना है। तो फिर ट्रेड आपके ब्रोकिंग पैनल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर सिग्नल्स के सेक्शन में दिखेगा कि आपका क्या ट्रेड हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर ईगल ट्रेडिंग में मुझे दिखा रहा है कि कोई ट्रेड जनरेट हुआ है निफ्टी का और उसमें टारगेट भी लगाया, तो ये 30 तारीख का सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाएगा कौन सी स्ट्रैटेजी में कौन से सिग्नल बने। जैसे इंट्रामैक्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे आप इंट्रामैक्स में कौन से सिग्नल बने, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी आप जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म आता है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 24 आवर्स के बीच हमारे तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों जाइए जल्दी से AlgoCrab पे रजिस्टर कीजिए, 6 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी ट्रायल लिया हुआ है और आप फिर से ट्रायल लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपके ट्रायल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।